सरगुजा संभाग के कोरिया जिले स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में 6 हाथियों के दल ने सरकारी राशन चटकर आंगनबाड़ी और किचन शेड तोड़ डाला है। यहां तक पीने के पाइप को भी तोड़ने की कोशिश की। अब हाथियों का दल रामगढ़ के गिधर के जंगल में अपना डेरा डाला हुआ है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में 7 हाथियों के दल ने तुर्री पानी पहुँचा। तुर्री पानी के ग्रामीणों के लिए प्रशासन ने सोलर पंप से पीने की पानी की व्यवस्था की है। तुर्रे के पास लगे सोलर पंप को हाथियों ने उखाड़ने की कोशिश की। उसके बाद हाथियों का दल आंगनबाड़ी पहुंचा, जहां हाथियों के दल ने केंद्र की पक्की बाउंड्री को तोड़ डाली। वहां रखे झूले को तहस नहस कर डाला, केंद्र के दरवाजे को उखाड़ फेंका और उसके बाद केंद्र की हर खिड़की को तोड़ा। हाथियों के दल ने किचन शेड के लोहे के दरवाजे को काफ़ी खोलने की कोशिश की। किचन शेड की में लगी लोहे की कुंडी को मोड़ कर रख दिया, नहीं खुला तो दूसरी ओर दीवार तोड़ डाली। आंगनबाड़ी के चारों ओर की खिड़की तोड़कर जहां चावल रखा हुआ था उसे सुन से निकाल कर खा गए। आंगनबाड़ी से लगा तुर्री पानी प्राथमिक स्कूल का किचन शेड है, उसकी दोनों खिड़की तोड़कर अंदर रखा चावल हाथियों ने चट कर दिया। हाथियों का दल सरकारी चावल खाने में इतना मशगूल था कि ग्रामीणों के शोर को काफ़ी देर तक अनसुना कर दिया। इसके बाद ढोलक की आवाज़ के बाद ही वो हल्का सा घबराए और फिर जंगल की ओर चल दिए। हाथी शनिवार को आए थे, लगभग शाम 8 बजे को पहुंच गए थे गांव में। स्कूल को आके आंगनबाड़ी को तोड़ फोड़ किए, किचन में जो वहां के सामग्री थे चावल दाल सब्जी सब खा गए और खिड़की दरवाज़ा पूरा तोड़े। उसके बाद लगभग वहां से वो 11 बजे भागे। और यहां हाथी शनिवार को 9 बजे आसपास आए थे और पूरा आंगनबाड़ी का दरवाज़ा खिड़की और पूरा हत्ता तोड़ दिए थे। और पहले बार भी आए थे तो 2 साल पहले यानी कि एक ठो हत्ता को गिराए थे। प्राथमिक शाला का किचन सेट को पूरा तोड़ फोड़ के खा रहे थे, सुगंधित ले रहे थे कि कुछ खाने का होगा तो खाएंगे। और चावल उवल था और आंगनबाड़ी का क्या बोलते हैं कि गैस सिलेंडर था उसको पूरा तोड़ फोड़ रहे थे कि सोचे कि खाने के लिए कुछ मिल जाए। और बहुत 6 ठो हाथी थे लेकिन पूरा गांव के लोग आवाज़ सुन के आ गए। इसके बाद दौड़ा रहे लेकिन फिर भी वो नहीं भाग रहे हैं और पूरा घूम घूम के इकट्ठा हो इधर से वो पीछे तरफ से दौड़ाते थे तो आगे आ जाते थे और आगे तरफ करते थे तो पीछे चल देते थे और घूम घूम के खाते रहते। आवाज़ सुन रहे थे चुपचाप खड़ा हो के। पूरा किचन सेट का पूरा उखाड़ फुकाड़ दिए हैं और बर्तन वर्तन उसको भी निकाल के फेंक रहे थे। वन विभाग के लोग फिर मुंशी लोग आए थे और फिर रविवार को रेंजर साहब भी आए थे। तुर्री पानी में आंगनबाड़ी प्राथमिक स्कूल माध्यमिक स्कूल है। पूर्व में हाथियों ने प्राथमिक स्कूल में लगी जालियों को तोड़ने की कोशिश की थी, उसे अंदर की ओर धकेल दिया। वहीं माध्यमिक स्कूल की एक खिड़की को भी तोड़ दी थी। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्र की बाउंड्री को तोड़ा था। बाउंड्री को ग्राम पंचायत ने ही बनवाया था। इस बार हाथियों ने उसे पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। तुर्री पानी में आए हाथियों के दल ने न सिर्फ सरकारी भवन और खाद्यान्न को ही अपना आहार बनाया, जबकि हाथी ग्रामीणों के बसाहटों की ओर नहीं बढ़े, बल्कि पूर्व में उन्होंने कुछ ग्रामीणों के घर में नुकसान भी किया था। बैकुंठपुर के तुर्री पानी से देश टीवी के लिए चंद्रकांत पारगीर की रिपोर्ट। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।